हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक कर रहा हूं मैं, एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो पूरी चीज़ें डिस्कस करूंगा, एंजाइम क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ऑक्सीडेज क्या होता है, रिडक्टेज क्या होता है, एक एक चीज़ें। मेरी वीडियो की खासियत हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMP डाल लो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखो, बहुत सारी वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश में डली हुई है। चाहे आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, पैरामेडिकल हो, BPT हो, DMLT, BMLT, ऑपरेशन थिएटर स्टूडेंट हो, किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट जैसे एनाट, फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, फाउंडेशन, पैरामेडिकल में हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी वगैरह सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, विजिट करके देखना आप, ठीक है। एंजाइम होते क्या, स्टार्ट करते। देखो एंजाइम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। एंजाइम्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंजेस। देखो सिंपल बात बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो, कि एंजाइम्स दैट आर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एंजाइम जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं बिना किसी परिवर्तन के। सिंपल बात है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, देखो कोई भी रिएक्शन है, दूध का फटना, ठीक है, दूध का फट जाना, या फिर इसके अलावा हम और भी रिएक्शन दे सकते हैं जैसे कि लोहे पर जंग लगना, दैट इज़ अ रिएक्शन। पर कोई भी रिएक्शन को हमको यदि बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है, तो हम उसमें एंजाइम्स मिला देंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती है, पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके उस जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट बढ़ा देंगे। ये ग्राफ समझो, ये बहुत ईजी ग्राफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे एंजाइम रिलीज्ड, यहाँ पे समय चल रहा है, समय कितने समय में पूरी होगी वो, ठीक है, यहाँ पे कितनी लंबी चलेगी। देखो यहाँ से कोई क्रिया हुई, समझना, यहाँ से कोई रिएक्शन होना स्टार्ट हुई तो वो रिएक्शन चालू होगी, ऊपर रेड वाली लाइन है ये विदाउट एंजाइम से, यानी कि इस रिएक्शन को होने में सपोज दैट यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट है, इस लाइन पे 5 मिनट है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंपली 5 है और यहाँ पे सिंपली आपका 10 है, तो कोई रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है, यहाँ पे 10 मिनट में हो रही है, पर जो रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है ना, ये रिएक्शन 5 मिनट में विद एंजाइम, एंजाइम यदि मिला देंगे तो, और विदाउट एंजाइम, अगर बिना एंजाइम से करवाएंगे हम ये प्रोसेस तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो सिंपली आपको दो चीजें यहां पे मैंने बताई, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन हुई तो बिना एंजाइम के कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे होती है, और उस रिएक्शन को यदि रेट ऑफ रिएक्शन आपको उसको इंक्रीज करना है तो आपको एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंजाइम दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो ही बोलना है कि रेट मतलब उसकी दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने वाले सब्सटेंस एंजाइम कहलाते हैं। ये हुई इसकी डेफिनेशन छोटी सी, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ मैं। अब आपको समझना है कि एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल, इसका मतलब है एंजाइम जीवित कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। सिंपली हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल है वो लिविंग सेल ही क्या करेगी, एंजाइम को बनाती है। दूसरी चीज़ देखो, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते। सिंपल बात बोल रहे हैं कि जो एंजाइम है हमारे वो किस नेचर में, वो हमारे सिंपली प्रोटीन नेचर में होते हैं। नेक्स्ट, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, बहुत इजी इजी है कि एंजाइम जो है सिंथेसाइज लिविंग सेल हमारी जीवित कोशिकाओं में बनते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ये एंजाइम जो होते हैं एक प्रोटीन नेचर में होते हैं। देखो नेक्स्ट चीज, एक नोट मैंने नोट करके महत्वपूर्ण एक चीज़ लिखी है, राइबोजाइम इज एंजाइम बट इट इज नॉट प्रोटीन नेचर। ये बोल रहा है कि जो राइबोजाइम है एक एंजाइम है पर यह प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। और मैं बता दूं कि जो राइबोजाइम है ये राइबोजाइम RNA के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, RNA के द्वारा राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम हमारा प्रोटीन नेचर का नहीं है। तो यहाँ पे ये मिथ क्लियर होता है कि मैंने बोला था कि जो एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, पर प्रोटीन प्रकृति के
अब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, पर इसमें कुछ एंजाइम जैसे कि राइबोजाइम एक एंजाइम है, ये प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन देखो, ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम बनाए जाते हैं। देखो सिंपल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना गाइस, कि अलग अलग मुझे दूध को फाड़ना है तो कुछ और यूज़ करूँगा, ठीक है, यदि मुझे बॉडी में कोई रिएक्शन करवानी तो कुछ और यूज़ करूँगा, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम हर एक चीज़ को काम करेगा, कभी मुझे किसी चीज़ को जोड़ना है तो कुछ और एंजाइम, कुछ तोड़ना है तो कुछ और एंजाइम, किसी के साथ तोड़ के दूसरे के साथ जोड़ना है तो कुछ और एंजाइम, ये सारी क्वालिटी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग प्रकृति के अलग अलग एंजाइम यूज होते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, एंजाइम्स आर थ्रोम्बोलेपाइल, देखो बोलना चाहता है एंजाइम एक तापमान पर ही कार्य करता है। अब आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर चेंज कर दो, तो याद रखना हमारे शरीर में कोई रिएक्शन नॉर्मली हो रही है, एंजाइम्स काम कर रहे हैं अपने सारे एंजाइम काम, जैसे कि कोई भी एंजाइम्स की बात करूँ, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, म्यूसिन, ये सब एंजाइम्स है, ये अपने काम कर रहे हैं, इंसुलिन एक हमारी बॉडी में काम कर रहा है, पर यदि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाए तो इन एंजाइम की रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझ लेना आप दोनों, कि अलग एक चीज़ तो मैंने बोला अलग अलग एंजाइम अलग अलग क्रिया करते हैं, दूसरी चीज़ मैंने बोला ये थर्मोलेबाइल है, थर्मोलेबाइल मतलब भैया इनको टेम्परेचर फिक्स है, जैसे इसका टेम्परेचर फिक्स है कि ये इतने डिग्री पे होगा, किसी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स है, किसी का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग टेम्परेचर, वो एक थर्मोलेबाइल है, उनके फिक्स टेम्परेचर पर ही काम करेंगे, यदि टेम्परेचर बिगड़ा तो इनकी रिएक्शन भी बिगड़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या बोला एक बार शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ, एंजाइम जीवित कोशिकाओं बनते हैं, मीन्स जो एंजाइम सिंथेसाइज इन लिविंग सेल के अंदर बनेंगे, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, नोट्स जो राइबोजाइम है मैंने बोला प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, पर एक राइबोजाइम का एक एंजाइम है जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है भैया, ये प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने बोला ऑल एंजाइम आर स्पेसिफिक, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम बनाए गए हैं। दूसरी चीज़ बोला थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल का मतलब भी बताया, ऐसे एंजाइम में ये जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ही कार्य करते, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, अब देखो गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, छह भागों में मैंने एंजाइम को क्लासिफाई किया है, समझना। अकॉर्डिंग टू दी IUB, IUB क्या है भैया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB एक इंटरनेशनल जो एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, IUB यूनियन है एक वो, ठीक है। एंजाइम आर क्लासिफाइड इंटू 6 कैटेगरी, टोटल 6 भागों में एंजाइम को विभाजित किया गया है, किसने करा भैया, IUB। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है IUB क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की IUB का फुल फॉर्म भी पूछा गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUP ने एंजाइम को 6 भागों में विभाजित किया गया, भैया कौन कौन से, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, नंबर 2 पे है ट्रांसफरेज, नंबर हाइड्रोलेज, ठीक है, लाइजेज, आइसोमरेज, लाइगेज, देखो लाइसेज और लाइगेज दोनों विपरीत है, एक तोड़ता है तो एक जोड़ता है, ठीक है। लाइजेस तोड़ने का काम करेगा, लाइगेस जोड़ने का काम करेगा, पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा क्या क्या है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, मैं फिर से बता देता हूं, ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, लाइजेस, आइसोमेरेस और लाइगेस, ठीक है। ये तीनों, ये 6 कैटेगरी मैंने बताई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 को हम लोग एक साथ डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, आप इनको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला ऑक्सीडोरिडक्टेस, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेस क्या होता है। देखो ऑक्सीडोरिडक्टेस क्या है, दिस एंजाइम शो टू टाइप ऑफ रिएक्शन, बोलना चाहता है कि जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है दो प्रकार की रिएक्शन को शो करता है, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही लिखा है। दिस एंजाइम शो टू टाइप ऑफ रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन शो कर रहा है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। यह एंजाइम दो प्रकार की क्रिया करवाता है, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। अब यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे AH2+B, ये ऑक्सीडेशन। देखो कोई भी रिएक्शन में ये दो तरह के काम करेगा, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। देखो AH2+B यहाँ पे इसने क्या करा है, जो ए ग्रुप था उससे AH2 को, मतलब H2 को बाहर जोड़ दिया, इसके साथ इसको कर दिया। यहाँ पे हुआ इसका रिडक्शन और यहाँ पे हुआ इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइज भी किया और रिडक्शन भी किया। किसका रिडक्शन करा, इसने ए को रिड्यूस कर दिया और एच को ऑक्सीडाइज कर दिया। किसके साथ ऑक्सीडाइज कर दिया, इसने एच के साथ में बी को ऑक्सीडाइज कर दिया और ए को रिड्यूस कर दिया। तो जो निकालने की प्रोसेस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जोड़ने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या आ सकते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम होता है जो कि किसका टाइप होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेस का। एक होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एक एंजाइम है जो कि ये भी क्या काम करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेस का। ऑक्सीडो रिडक्टेस के ही ये एग्जांपल है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ऑक्सीडो रिडक्टेस में क्या हुआ, दिस एंजाइम शो टू टाइप ऑफ रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन शो करता है, एक ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन की, एक रिडक्शन की। ऑक्सीडाइज कर देगा और रिड्यूस कर देगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफरेज। अब ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है भैया, समझो। देखो ट्रांसफरेज मतलब समझ में आ रहा होगा, ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफरेज का मतलब ही ट्रांसफर से है। देखो दिस एंजाइम हेल्प टू ट्रांसफर अ वन ग्रुप विथ अदर ग्रुप इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर। यह एंजाइम किसी क्रिया में एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करने का अर्थ मेरा है कि ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसफरेशन करता है। ट्रांसफरेज एंजाइम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम विच ट्रांसफर अ वन ग्रुप विथ अदर ग्रुप। जरा इसकी रिएक्शन देखो पहले, यहाँ आप इसको छोड़ो, इसको देखो आप पहले, इस पर फोकस करो। यहाँ पे मैंने लिखा है AX+B, ठीक है। कोई ये एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे बहुत सारी रिएक्शन ले सकते हैं, बट मैं नॉर्मल एग्जांपल AX+B। अब यहां पे क्या हुआ, A अलग है और BX, मतलब कि जो X को इसके साथ जोड़ दिया, A को हटा दिया, यानी कि इसमें ट्रांसफरेशन कर दिया। ट्रांसफरेशन का मतलब ट्रांसफर कर दिया X ग्रुप को B के साथ में। क्लियर है, BX यहाँ पे AX, इस X को उठाया, ट्रांसफर कर दिया B के साथ, ये रहा BX, A अलग कर दिया, समझ में आया। तो यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्शन हो जिसमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ ट्रांसफर कर देने का, ट्रांसफरेज एंजाइम के। एग्जांपल कौन कौन से, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज काइनेज एंजाइम, यदि मेरे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी हो तो वहाँ जाना, बहुत सारे काइनेज एंजाइम बताए, काइनेज जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ट्रांस अमाइनेज, ठीक है, ट्रांस अमाइनेज अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांस मिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, तीनों याद रखना, हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमाइनेज और ट्रांस मिथाइलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो ये चीज समझ में आपको, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफरेज एंजाइम फिर से बता देता हूं, ट्रांसफरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी भी ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ ट्रांसफर कर देता है, जैसे कि AX+B, यहां पे एक्स को ट्रांसफर कर दिया बी के साथ में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एंजाइम के ऊपर, वो था हमारा हाइड्रोलेज। अब हाइड्रो का मतलब पानी, लेज का मतलब तोड़ना, यही समझ आ रहा है। हाइड्रोलेज होता क्या है गाइस, ये देखो, देखो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेगा, दिस एंजाइम ब्रोकन डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन वाटर मोलिक्यूल एडिट, बोलना चाहता है यह एंजाइम किसी तत्व के हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है जब इसमें पानी जोड़ा जाता है। सिंपल बात बोल रहा है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी प्रोसेस, यहाँ पर सिंपली ये बताना चाहता है कि हाइड्रोजन जब पानी को ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोलाइसिस कर देता है, हाइड्रोजन के बंध को तोड़ देता है। जैसे कि एग्जांपल A+B H2O, अब यहाँ पे AH जो
एच है इसको तोड़ के एच के जोड़ दिया, बी एच अलग निकाल दिया, बी ओ एच। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बंध को तोड़ने का काम कर। एग्जांपल क्या क्या है भैया, लाइपेज एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, यूरियाज एक एंजाइम है। अगर आपको लाइपेज और पेप्सिन के बारे में पता हो तो पेप्सिन हमारे स्टमक का एक एंजाइम है, लाइपेज जो कि माउथ से रिलीज होता है, सलाइवा में लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के बंध को तोड़ देता है। सिंपल बात आपको समझना है यहाँ पे, तो याद रखना ए प्लस बी एच टू ओ, यहाँ पे ए एच ग्रुप को हाइड्रोजन को तोड़ के अलग निकाल दिया, इसने इसको अलग प्रोसेस कर दी। क्लियर हुआ गाइस? तो याद रखना हाइड्रोलेज एंजाइम, दिस एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन एड वाटर के साथ जब एड होता है, या एंजाइम किसी भी तत्व के हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है जब इसमें पानी मिलाया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट एंजाइम के ऊपर बढ़ता हूं मैं। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट एंजाइम देखो, अब देखो अब आता है आपका लाइजेस का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। देखो दिस एंजाइम ब्रोकन डाउन अ बॉन्ड बाय अदर मैकेनिज्म। देखो यह एंजाइम किसी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी तत्व के बॉन्ड को तोड़ देता है। जबकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भैया हाइड्रोलेज जो एंजाइम था वो भी तोड़ने का काम कर रहा था पानी के बंध को, बट वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा था। और यह किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकता, कोई भी बॉन्ड को तोड़ देगा, बट अदर मैकेनिज्म किसी और प्रक्रिया के द्वारा, हाइड्रोलाइज के द्वारा नहीं, किसी और कोई अदर नए मैकेनिज्म है यहां पे, ठीक है। देखो जैसे कि ए प्लस बी एक्स वाई, यहां पे क्या करा इसने, वाई को अलग तोड़ दिया, इसको अलग तोड़ दिया, ठीक है। ये ए वाई और बी वाई, ठीक है, यहां पे एक्स वाई को तोड़ दिया इसने सिंपली। यहां पे एक मिस्टेक हुई गाइस, यहां पे जो ये जो एक्स है ना, इस एक्स को यहां पे मैंने डबल वाई कर दी, जबकि ये एक एक्स है, ठीक है, ए एक्स बी वाई, ठीक है। यानी कि इसके बंध को तोड़ दिया तो इसको इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, यानी कि अदर मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल इसके है एल्डोस और फ्यूमरेज। फ्यूमरेज भी एक एग्जाम्पल है, फ्यूमरेज आपने पढ़ा होगा, तो आपने क्रेब साइकिल पढ़ी होगी, तब फ्यूमरेट से वो ऑक्सलोसिटेट का फॉर्मेशन होती है, फ्यूमरेज के द्वारा होती है फ्यूमरेट की फॉर्मेशन, तो वहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है उसे फ्यूमरेज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूमरेज एलाइजेस एक एंजाइम होता है जो कि तोड़ने का ही काम करता है, पर कुछ दूसरे मैकेनिज्म से, हाइड्रोलाइसिस जैसा नहीं, किसी कोई और ही मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। क्लियर हुआ? इसको अप कर देते हैं, नेक्स्ट एंजाइम के ऊपर बढ़ते गाइस हम लोग। नेक्स्ट एंजाइम हमारा आता है आइसोमेरेज, आइसोमर। देखो आइसोमेरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, समझिएगा इसको। दिस एंजाइम चेंज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनी कंपोनेंट, बोलना चाहता है यह एंजाइम किसी भी तत्व की क्रियात्मक समूह को बदल देता है। बोलना चाहते हैं फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हुआ उस फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देगा और कुछ ही बना लेगा, जबकि उसके फॉर्मूला वही है पर उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया गाइस, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप उसका चेंज हो गया। जैसे कि बताता हूँ मैं, एल्डोस, एल्डोस होता है कीटोन होता है, ये दोनों ही फोस, यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। देखो फॉर्मूला ग्लूकोज का भी यही है, फ्रक्टोज का भी यही है, समझ में आ रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है, पर इसमें एल्डो समूह जुड़ा तो ये ग्लूकोज है। अब ये एक एंजाइम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब क्या हो रहा, आइसोमर बना देगा, उसकी कॉपी बना देगा, ठीक है। देखो जैसे कि एल्डोस, ये जो ऊपर वाला समूह है एल्डोस, इसको रिमूव कर दिया, एल्डोस को हटा के कीटोन जोड़ दिया, कीटोन जब जोड़ेंगे तो फ्रक्टोज बनेगा। समझ में आया क्या किया इसने? तो याद रखना आइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी तत्व का फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के दूसरा ग्रुप बना लेता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी यूज होता है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से याद हो तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट मैंने बताया था, तो वहां पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज ने काम किया था। तो याद रखना गाइस आइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कॉपी बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये एग्जांपल याद रखना इसका, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट और लास्ट सिक्स एंजाइम के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लाइगेज, ये भैया जोड़ने का, लाइस करेगा, लाइगेज मतलब जोड़ना और लाइजेज मतलब तोड़ना। देखो लाइगेज
दिस एंजाइम लिंक टू डिफरेंट मोलिक्यूल टू ईच अदर, बोलना चाहता है एंजाइम दो अलग अलग मोलिक्यूल को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, दो अलग अलग, जैसे कि ए प्लस बी अलग अलग है तो इनको ए बी बना दिया। लाइगेज, मैंने फिर बोला दो लिंक टू डिफरेंट मोलिक्यूल अलग अलग मोलिक्यूल को एक साथ ये गाइस जोड़ने का काम करता है, जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूटामिन सिंथेस, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम। देखो ग्लूटामिन सिंथेस क्या है, याद है जो कि गेहूं के अंदर ग्लूटामिन जो एक है ना, एक एंजाइम होता है जो कि ग्लूटामिन सिंथेस कर देता है, ये भी गेहूं के अंदर पाया जाता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। ग्लूटामिन एक हालांकि है तो ग्लूटामिन, पर उसको सिंथेस, उसको फॉर्मेशन करवा देगा सिंथेस, जहाँ पे ए ए सी लगे वहाँ पे एंजाइम होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सिंथेसिस लाइगेज, लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको समझ आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।